कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटोर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है, इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है, और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अब कल चुनाव आयोग की ओर से डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा चुनावों का, तो ये कितना अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनावों के लिए आप लोग? नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव, सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो, और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, सीधी सी बात है। महाराष्ट्र की जो भी पार्टियां है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया, जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है, और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है, पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटोर्शन करती है, किसके लिए? बीजेपी के लिए। हाँ जी, तो मेरा कहना है, आपका आपके सवाल का जवाब यही है ना कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा, ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ। ये पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया, तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं, उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है। पैसा कहां से आया मैं आपको बता रहा हूं, पैसा कहां से आया? एक्सटोर्शन से आया। जो हिंदुस्तान का के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया,
तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। हाँ जी राहुल जी, आप एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, तो इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको इस मुद्दे को नहीं, मेरा मानना है, मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्टें दिखी नहीं कंपनी की, आप मीडिया में हो ना, इसी मुद्दे को लेकर आप जाएंगे का ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, जाएंगे कि हम रेज करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना, तो रेज कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो आप, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, और पूरे सब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आपने बताया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो एक एक्सटॉर्शन का जरिया है, लेकिन वही इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है कांग्रेस भी ले रही है, बाकी पार्टियां भी ले रही है। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। सभी पार्टियां क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लेंगी एकदम से, उसको अवैध बता दें? उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा रहे हैं, और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, इनका ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं हो गया, अभी ना प्लीज वन वन क्वेश्चन, थैंक यू, वन यू आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। राहुल जी, आपकी यात्रा दूसरी बार महाराष्ट्र में आई है, पहली बार जब आए थे तो कांग्रेस पार्टी की पत्नी थी, लेकिन अब जब आए हैं तो पूर्व सीएम से लेकर पूर्व सांसद तक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, शिवसेना में चले गए, क्या? नहीं नहीं, देखिए पार्टी का साथ छोड़ के नहीं गए हैं, पैसा देकर सीबीआई को यूज कर ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इन पार्टियों को तोड़ा गया है, कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है, कांग्रेस का कोई नहीं गया है, कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। चौहान